मनासा के शासकीय कन्या सागर टीकाकरण केंद्र पर सोमवार को सुबह 10 बजे टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। मौके पर मनासा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर निरुपमा झा, मनासा अनुविभागीय अधिकारी एसडी मनीष कुमार जैन सहित भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टरों की टीम की उपस्थिति में सरस्वती पूजन कर माल्यार्पण कर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। मनासा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निरुपमा झा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से 7 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसमें करीब 34 टीकाकरण केंद्र पर हितग्राहियों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया। मैं डॉक्टर निरुपमा झा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनासा, सोमवार 21 जून कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो रही है। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत हमें मनासा विकासखंड को 8,600 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इन 8,600 वैक्सीन के तहत हमने 34 टीमों का गठन करके ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सेंटर्स बनाए गए हैं। इन सेंटर्स पर 18 प्लस और 45 प्लस के व्यक्तियों को, हर आयु वर्ग के व्यक्तियों को टीकाकरण किया जाएगा। इस टीकाकरण के तहत हमने जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाते थे, उन सुदूर गांवों को चिन्हित करके वहां पर भी कोविड वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किए गए हैं। इन 34 टीमों में 3 टीमें हमारी नगरीय हैं, नगरीय क्षेत्र की हैं, बाकी की 31 टीमें हमारी ग्रामीण क्षेत्र की हैं। इन टीमों में हम 10 दिन का यह कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा, जिसमें से हमारे 7 दिवस वैक्सीनेशन सत्र लगेंगे। बाकी के मंगलवार शुक्रवार को नियमित टीकाकरण होने की वजह से सत्र नहीं लग पाएंगे। रविवार के दिन अवकाश होने की वजह से सत्र नहीं लग पाएंगे। अतः इन 10 दिनों में हमारे जो 7 टीकाकरण वैक्सीनेशन डे हैं, उसमें हम पूरी तरह से लक्ष्य को पूरा करेंगे और लक्ष्य प्राप्ति करेंगे। हम पहुंचे उन तक जो ना पहुंचे हम तक। मंगलवार एवं शुक्रवार को विशेष परिस्थिति में शासन द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर ही कोविड वैक्सीनेशन का सत्र प्लान किया जाएगा। इस 10 दिन के कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में हम 35,000 से 40,000 के वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में को सफल बनाने के लिए आप सबसे सहयोग की अपील करती हूँ। अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी में सभी वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगदान सार वैक्सीन का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाअभियान में आज से टीकाकरण शुरू हुआ। हमारा वैक्सीनेशन लगभग 10,000 वैक्सीन का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। वैसे तो टारगेट हमारे पास ऑफिशियल तो 8,400 का है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज कम से कम 10,000 लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। मनासा तहसील को सबसे बड़ा टारगेट मिला है 30,000 लोगों का, और हम निश्चित रूप से अपने टारगेट से अधिक काम करके दिखाएंगे। एकमात्र वैक्सीन ही बचाव है, महामारी रोकना है तो वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। हर व्यक्ति को ये बात समझ आना चाहिए। मीडिया के माध्यम से भी मैं आम जनता से आग्रह करता हूँ कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि इसके अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं है। अन्यथा कोविड का कोई भरोसा नहीं, कब तीसरी लहर शुरू हो जाएगी। इसलिए अभी से हम शुरू करें वैक्सीनेशन। और इस वैक्सीनेशन में सबसे खास बात यह है कि 18 प्लस की मतलब जिसको भी लगाना चाहे 18 से ऊपर, वो सभी को अलाउ किया गया है इस वैक्सीनेशन में, ताकि किसी को दिक्कत नहीं आए, ना किसी 18 से ऊपर ना 45 से ऊपर, सबका वैक्सीनेशन होना है। इसलिए सबके लिए खुला रखा गया है और मौके पर ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी परेशानियाँ दूर की गई है इससे। मनासा से पत्रकार गुजर की रिपोर्ट।